हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ विकास सर। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें इस वीडियो लेक्चर में हम 70 इंग्लिश के वैसे सेंटेंस को कवर किए हैं जो डेली यूज़ में हम लोग डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन 70 सेंटेंस का यूज़ करके आप डेली कन्वर्सेशन के अधिकतर बातों को व्यक्त कर लेते हैं, अपने ज़्यादातर एक्सप्रेशन आप इसी तरीके से बोलते हैं। जैसे जब कभी आपसे कोई मिस्टेक होता है तो आप क्या कहते हैं, ये मुझसे गलती से हो गया, प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा गलती से हुआ, ऐसा गलती से हुआ। इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है, इट हैपेंड बाई मिस्टेक। यह पास्ट की बात है इसलिए इसमें आप V2 देख रहे हैं, इट हैपेंड बाई मिस्टेक। ऐसा कल मुझसे गलती से हो गया, इट हैपेंड बाई मिस्टेक एस्टरडे। इसमें एस्टरडे जोड़ देंगे तो इससे कल का बोध हो जाएगा। बोलो मत। दूसरा एग्जांपल है, ऐसा तुक्के से हुआ, या ऐसा गलती से हुआ, या ऐसा धोखा से हुआ। कभी कभी आपसे ऐसी पेंटिंग बन जाती है, आपसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो आप चाह के शायद नहीं कर सकते हैं, बट वो तुक्के में हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, इट हैपेंड बाई चांस। ऐसा तुक्के से हो गया, कहते नहीं तुक्के में ये काम हम कर लिए। बस में, ट्रेन में, या फिर क्लासरूम में, अलग अलग जगहों में, या ऑफिस में, आप कहीं कहीं इसका यूज़ करते हैं इस वर्ड का बहुत ज़्यादा। थोड़ा खिसकिए तो आप बैठने के लिए जगह अपना बनाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, थोड़ा खिसकिए, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं मूव अ बिट, या फिर इसमें आप काइंडली और जोड़ देते हैं तो आपके सेंटेंस को और ज़्यादा पोलाइट करता है, और आपको जो जिसको आप बोल रहे हो काइंडली मूव अ बिट, वो आपको एक अच्छा इंसान मानते हुए आपको सीट देता है, आपको जगह देता है, बैठाता है। अगला है, क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सीट। क्या मैं बैठ सकता हूँ। आप एक वर्ड देखे होंगे लिखा हुआ एक सेंटेंस, खासकर बैंक में या फिर रिसेप्शन काउंटर पे, वो सेंटेंस होता है मे आई हेल्प यू। मतलब क्या होता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सेम हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो मे आई सीट। परमिशन आप मांग रहे हैं तो वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। ऐसे कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट कैन और मे में थोड़ा सा डिफरेंट है। मे जो है ज़्यादा पोलाइटनेस को दिखाता है, और ये जनरली अपने से बड़ों के लिए ऑफिशियली इसको यूज़ करते हैं, और ये फॉर्मल वे में यूज़ होता है, और कैन का प्रयोग हम लोग इनफॉर्मल वे में करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप मुझे विश्वास कीजिए, मैं पूरी कोशिश करके इस काम को कर लूँगा। तो क्या बोलेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जब कहीं कुछ बात होती रहती है तो आपको एक अच्छे लिसनर को, एक अच्छे स्पीकर का काम होता है कि पहले आप अच्छे से सुने अगर कोई बोल रहा है, तो फिर अपनी बारी का इंतजार करें या फिर अपना बारी मांगे। तो जब आपको अपने बोलने के लिए आपको हक चाहिए, आपको पूछना है, आप चाहते हो कुछ बोलना, तो आप क्या बोलोगे, अब मैं कुछ बोलूँ, मे आई से समथिंग नाउ, क्या मैं कुछ बोलूँ। तो जब आप इस तरह से जब पूछते हो, इस तरह से जब आप बोलते हो, तो आपको ऑफर किया जाता है कि हाँ आप आइए और बोलिए। उसके बाद जब आपसे कोई हालचाल पूछता है, या फिर आप किसी से हालचाल पूछते हो, तो कुछ इस अंदाज में पूछते हो, उम्मीद है आप मज़े में हो, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक हैं, उम्मीद है कि आप मज़े में हो, होप यू आर इन्जॉइंग योर सेल्फ। कृपया करके धीरे धीरे बोले, प्लीज स्पीक स्लोली। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम कुछ बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू से समथिंग। इफ़ यू वांट टू से समथिंग देन प्लीज से। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट, या व्हाट मैटर डज इट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कोई आपका दोस्त आपसे गुस्सा हो जाता है, तो आपको उससे फ़र्क पड़ता है, बट कभी कोई ऐसा इनफॉर्मल फ्रेंड जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बोलते व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राम गॉट अ लिटिल लेट। सुनकर बहुत दुख हुआ। कभी किसी की मरने की खबर, किसी का दुर्घटना की खबर जब आप सुनते हो, तो आप क्या कहते हो, सॉरी टू हियर दैट, सुन के बहुत बुरा लगा, सुन के बहुत दुख हुआ। बच्चों का आधा टिकट लगता है, आप जानते हो कि प्लेन से ट्रैवल करो तो, या फिर ट्रेन से करो, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जब बस से भी ट्रैवल करते हो, तो बच्चे का 6 से 11 वर्ष तक का बच्चे का जनरली क्या लगता है, 12 वर्ष के बच्चों का हाफ टिकट लगता है, तो चिल्ड्रन को हाफ फेयर लगता है। बट आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, जब आप उसके लिए सीट लेते हो तो आपको फुल पे करना पड़ता है, पूरी टिकट का पैसा लगता है। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। मुझे इसकी याद दिला देना,
आप जब किसी के साथ कहीं जाते रहते हो और जब आप मेरी तरह हो गए, जैसे मैं अक्सर बाजार जाता हूँ तो कुछ भूल जाता हूँ, तो बोलते हैं प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे इसकी याद दिला देना, अपने दोस्तों को बोलता हूँ या फिर घर पे भी बोल देता हूँ, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे इसकी याद दिला देना कॉल करके बाय कॉलिंग या बाय व्हाट्सअप। मैं आज थोड़ा देर से जगा, आई वक अप अ लिटिल लेट टुडे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। कई एक बार ऐसा होता है हम लोग की लाइफ में कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आज खाने में क्या है, व्हाट आर द न्यू डिशेज टुडे, अपने से बड़ों का कहना मानो, ओबे योर एल्डर्स, किसान ये बीज नहीं बोएंगे, द फार्मर्स विल नॉट शो दिस सीड्स। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, आई नेवर बोरो मनी। यहाँ पे उधार वाला जब सेंटेंस आया तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा देर के लिए रोकूंगा। बोरो मतलब होता है उधार लेना, और एक वर्ड होता है लेंड, लेंड मतलब होता है उधार देना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम खराब माल कभी नहीं बेचते, वी नेवर सेल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। क्या तुम झूठ कभी झूठ नहीं बोलते, डू यू नेवर टेल अ लाई। क्या हमेशा समय पर पहुँचते, हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं, वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। और हर इंसान को पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पे पहुँचना चाहिए। उसने मोमबत्ती बुझाई, ही ब्लू आउट द कैंडल। मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी, माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी, डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम। और हर मीटिंग 5 घंटे चली, द मीटिंग कंटिन्यू फॉर 5 आवर्स। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई, शी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स। कभी किसी के साथ ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो अपने आंसू को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, कई एक बार आदमी अपने हंसी को नहीं रोक पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, शी कुडंट, उसके बाद कंट्रोल के बाद टीयर्स या फिर लव। वह क्या करेगा पक्का नहीं है, व्हाट ही विल डू इज नॉट डिसाइडेड। यह आपकी दुआओं के कारण हुआ, जैसे जब कभी कोई बीमार रहता है, जैसे अभी कोरोना के कारण काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं, अगर उन लोगों को अगर इससे रिकवर करते हैं तो हम लोग के लिए वो क्या कहेंगे, या फिर अपने फैमिली वालों को क्या कहेंगे कि मैं ठीक हुआ तो आपकी दुआओं की वजह से, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस, ये सब आपकी दुआओं के कारण हुआ। और जो हमारे लिए दुआ मांगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल विशर कहते हैं, क्या कहते हैं, वेल विशर, शुभचिंतक भी से कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शुभचिंतक भी कहते हैं। वेल विशर मतलब शुभचिंतक, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। आपका हमारी बातों से क्या लेना देना, हाउ आर यू कंसर्न विथ आवर अफेयर्स। कई एक बार होता है कई लोग दूसरे की बातों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख लेते हैं, तो आप वहाँ बोल सकते हो, हाउ आर यू कंसर्न विथ आवर अफेयर्स। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। बात करके अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम बाई टॉकिंग। आपको नौकरी से हटाया जाता है, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। आपको नौकरी से हटाया जाता है, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। यहाँ माइंड योर ऑन बिजनेस वाला जो वर्ड है, इससे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो खुद से। ऐसा सेंटेंस का आप यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो किसी को, माइंड योर बिजनेस, या माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। क्या तुम कार चलाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। और जब ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसे जानना का जिस भाव जब होता है, जैसे क्या तुम चाय बनाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, तो इसमें हाउ टू का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे इसे हम लोग बनाते हैं। ऐसे चीज़ें मैं कभी नहीं खाता, आई डोंट ईट सच थिंग्स आइदर। ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता, आई कांट इवन थिंक सो। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। उसका भी कोई नहीं था, नो बडी वाज हिज आइदर। न खुद करते हो न करने देते हो, नाइदर यू डू योर सेल्फ नॉर लेट डू। नाइदर नॉर और आइदर और का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है, न तुम खुद करते हो न उसको करने देते हो, या तो तुम करो या उसे करने दो, ऐसे सेंस में होता है, आइदर यू डू योर सेल्फ और लेट डू। इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ, दैट्स वाट वी हैड अ डिस्प्यूट ऑन। यही वो मैटर था जिसके कारण हमारे ऊपर हम लोग के बीच झगड़ा हुआ। कोई तो दोषी है, तुम या मैं, समवन इज़ टू ब्लेम आइदर यू और आई। इस तरह का आदमी घमंडी होता है, सच अ मैन इज़ अरोगेंट, सच अ मैन इज़ हैप्पी
इस तरह का आदमी खुश होता है। तो इसमें जो 70 सेंटेंसेस से आप 70 ना समझे, 70 ना समझे, इसे 70 को आप 700 समझे कम से कम, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर पे आप कम से कम 10 सेंटेंस बना सकते हो या उससे भी ज़्यादा। तो ये 70 सेंटेंस आपके लिए इनफ है इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश को यूज़ करने के लिए। और अगर वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह के वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका मीनिंग आपको एक नहीं बहुत सारे मीनिंग मैं दूंगा, जिससे कि आप सिनोनिम्स आपको ज़्यादा पता होगा तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड उसकी जगह आप रिप्लेस करके बोल सकते हो। ऐसी कहानियाँ बहुत बोरिंग होती है, सच स्टोरीज आर एक्सट्रीमली बोरिंग। मैंने वहीं तो उस अजनबी को देखा था, दैट्स वेयर आई हैड सीन दैट स्ट्रेंजर। इसी तरह मैं बड़ा हुआ, दैट्स हाउ आई ग्रू अप। जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हो फिर लास्ट में कहते हो इसी तरह मैं बड़ा हुआ, दैट्स हाउ आई ग्रू अप। उसे भी फल पसंद नहीं थे, ही डिडंट लाइक फ्रूट्स आइदर। नोबडी लिसन टू मी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उसने उसे क्या कहना है, व्हाट इज़ ही टू से। मुझे तुम याद करते थे, यू मिस्ड मी। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट फ्लैटर। उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट फ्लैटर। उसे देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने उससे पहले कहीं देखा है। द मोमेंट आई सॉ हिम आई थॉट आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। कतार में खड़ा था और अचानक कीचड़ में गिर गया। ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू एंड सडनली ही फेल इन द मड। जब तक मैं ये समझ पाता वो आंखों से ओझल हो गया। बाय द टाइम आई कुड फिगर आउट ही डिसअपियर्ड। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश समझने के लिए आपकी वर्ड पावर सही होनी चाहिए, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, और बोलने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कई एक बार आप ये ऐसा फील किए होगा कि जब आपको कोई कुछ बताता है आप सुनते हो समझ जाते हो, बट जिस टाइम जिस मोमेंट में आपको रिप्लाई देना होता है उस टाइम आप नहीं बता पाते हो, और जब घर पे आते हो तो आप सोचते हो ये सब चीज़ तो मैं जानता था। तो दैट इज़ ऑल द थिंग्स हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप इस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करो, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहें ताकि आपको ये सब नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने इंग्लिश में वाकई अपना 100% दिया है। आस्क योर सेल्फ हाउ यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश जरूर बोलेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो जानकारी दिया गया वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेंटेंस को समझें और अपने डेली कन्वर्सेशन में इसका यूज़ करें। और आप जितना इसे शेयर करोगे उतने जितने ज़्यादा आप दोस्तों तक इसे पहुँचाओगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उतने ज़्यादा लोगों से आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर नॉर्मल टॉकिंग के दौरान आप इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करोगे, उधर से भी इस तरह के सेंटेंस का रिप्लाई आएगा, देन यू कैन इंक्रीज योर इंग्लिश स्पोकन, और इस तरह से आप अपनी अंग्रेजी को और ज़्यादा सुधार सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप जो इस चीज़ को फॉलो करोगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तैरने के लिए जिस तरह से पानी में जाना जरूरी है उसी तरीके से स्पोकन के लिए स्पोकन वाला माहौल क्रिएट करना जरूरी है। तो माहौल आप लोग क्रिएट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।